जो हम जगह ढूंढ रहे थे ना जिस किस्म की, वहाँ हमें जगह मिल गई। ड्रेन अभी कढ़ाई मसाला अंदर जा चुका है और अभी से ही बेहतरीन से खुश तकरीबन ये वाले तो बनी गए जो हमने रखे। ऐसा लड़का नहीं हूँ। मर्द होकर औरत से माफ़ करते हो। नाज़रीन अभी ये हमारा प्रोग्राम बढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, कहानी कुछ इस तरह है कि आप लोगों ने जैसे मेरी पिछली सीरीज देखी, एक ट्रिप चल रहा था हमारे इस पे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो खैर खत्म हो गया था। हम लोग घर आ गए थे, फिर यूनिवर्सिटी खुल गई और हम लोग शदीद किस्म के हो गए वेले। तो कहानी कुछ इस तरह है कि आज हम जा रहे हैं नथिया गली। अब हमसे मुराद, क्योंकि आपको पता है ट्रिप पे मेरे साथ दो तीन बंदे लाजमी होते हैं कि वो ट्रिप क्या ही करना है वैसे बंदे ने। तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर लुकमान खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक क्यूट बच्चे। और हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त हैं मिस्टर हनान। वालेकुम अस्सलाम। तो सीन तो जिस तरह है कि हम लोगों ने रात को सडनली प्लान बनाया कि भाई वेले बैठे हुए हैं, कुछ करने को है नहीं, तो फिर ट्रिप मार आते हैं तो नथिया गली चलते हैं। ये भी शदीद वेला, वेले नहीं बैठे हुए थे, 12 घंटे की ड्यूटी। हाँ, हम नाज़रीन हम वेले थे, ये भाई ड्यूटी कर रहे थे। पूरी रात नहीं कहने पे आए हो? पूरी रात मैं नहीं सोया, पूरी रात तो मैं 1 बजे से 2 बजे के। हाँ तो लड़ लो ये कर लो पहले। हाँ ये कर लो पहले। तो नाज़रीन अभी हम आप लोग जैसे रास्ता दे चुके हैं, हम लोग अभी एक्सप्रेस वे के ऊपर हैं और हम लोग जा रहे हैं नथिया गली। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरह है कि हम लोग ये लोग कह रहे थे कि चलना है ना, मैंने कहा जा ही रहे हैं वहाँ पे जाके तो कुछ हैपनिंग तो होना चाहिए ना। मैंने कहा बारबेक्यू का सीन कर लेते हैं वहाँ पे। तो साथ फिर सुबह लुकमान भाई ने कहा कि यार साथ कढ़ाई का भी सीन होना चाहिए क्योंकि एक से इसका गुजारा होता नहीं है। तो ये आप लोग सारा सामान पीछे देखें, ये पीछे बारबेक्यू का और कढ़ाई शाही का सामान ने रखा हुआ है। ऊपर पहुंचेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, होपफुली बर्फ भी होगी ऊपर और साथ ये कढ़ाई और बारबेक्यू का एक मतलब बेहतरीन सा सीन करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में बीच में क्योंकि ये जो हमारा गुच्छी मिच्ची बच्चा है ना, इसने नाश्ता नहीं किया सर, उसको लग गई है भूख। तो ये लोग जाके कुछ वगैरह ले कर रहे हैं। सर नाश्ता हम तीनों ने नहीं किया, फिर अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नाज़रीन खुशी की खबर ये है कि हल्की हल्की बर्फ़ यहाँ से शुरू हो चुकी है। हम लोग तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि भाई इतना आगे आगे बर्फ़ कब शुरू होगी। तो फाइनली अभी ये हल्की हल्की बर्फ़ आप लोग देखें शुरू हो चुकी है। और झींगा गली यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर है और फिर हमने आगे जाना नथिया गली। तो बस अभी ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से मैं 1/2 घंटा और लगेगा तो हम इंशाल्लाह अपने डेस्टिनेशन पे होंगे। A few moments later. तो ख़वातीनो हज़रात, अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे रास्ते में, हमने कहा रोटियाँ यहाँ से पकड़ लेते हैं, पता नहीं आगे फिर हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आपको साइड में नज़र आ रही होगी। पीछे तो काफ़ी गर्मी थी लेकिन अभी जब यहाँ आए तो अभी मौसम ठंडा हो चुका है, तो अभी आगे चलते हैं, आगे ज़्यादा मज़ीद ठंड होने वाला। तो नाज़रीन अपडेट ये है कि हमारा सफ़र रवाना है, बर्फ़ आप लोग चेक करें दोनों तरफ से। अब तो खैर अच्छी खासी हो गई है, इस तरफ भी बर्फ़ है, इस तरफ भी बर्फ़ है और आप लोगों को दिखाते चलें कि सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तो नाज़रीन अभी हम डोंगा गली पहुंचे और ये वो होटल है क्राउन पैलेस, जो आप लोगों ने अगर वो पिछला ब्लॉग देखोगे ना हमारा, जो क्लास ट्रिप मुशपुरी हम लोग आए थे, ये ऊपर यहाँ थोड़ा सा पीछे यहाँ पे रास्ता ऊपर मुशपुरी के लिए और इस होटल में हमने खाना खाया था। तो अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं नथिया गली। तो नाज़रीन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नथिया गली बाज़ार। ये आप लोगों को साइड पर सारा नज़र आ रहा होगा, ये मेन बाज़ार है। तो खैर हमने यहाँ पे आके अभी ये सोचा है कि ना क्योंकि हमने क्योंकि आप कुकिंग करनी है, बारबेक्यू करना है, तो हम कहीं साइड पे थोड़ा सा ना शांति वाली जगह पे। हाँ तो ख़वातीन हज़रात, फाइनली हमें अपना जो हम जगह ढूंढ रहे थे ना जिस किस्म की, वहाँ हमें जगह मिल गई है। ये हमने गाड़ी वहाँ खड़ी की है और हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे आए हैं। तो हमने ये जगह अभी डन किया कि इधर खाते पकाते हैं। यहाँ पर आप मज़े का सीन चेक करें, ये बर्फ़ ही ऊपर से आ रही है तो बेहतरीन। पहले मैं एक जगह पर रुके थे वो रोड की साइड पे थी लेकिन वहाँ मतलब ये स्टैटिक वाइब नहीं आ रही थी ज़रा सी। तो हमने कहा आगे चलते हैं, कोई ना कोई जगह ढूंढ लेंगे, आखिरकार हमने ये जगह ढूंढी है। तो बस अभी गाड़ी में से सामान सामान निकालते हैं, इधर अपना सेटअप लगाते हैं सारा और बस ये इन्जॉय करते हैं। सामने भी बेहतरीन सा नज़ारा है, इधर भी बर्फ़ है और यहाँ बनाएंगे खाना। तो चलो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, सामान हम अपना ले आए हैं, चीज़ें चीज़ें हमने यहाँ रखी हैं, वो चिकन उधर पड़ा हुआ है, अंगीठी हमने वहाँ रखी है। तो इधर बनाएंगे हनान भाई कढ़ाई और वहाँ मैं जरा जाके थके शके बनाता हूँ। तो अभी हमने माहौल सेट किया, स्पीकर लगा रहे हैं। हाँ तू सिर्फ खाने के लिए आया है, वो बना रहे हैं कढ़ाई में तिक्के और ये इसको खाने की पड़ी हुई है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। हम लोग जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ बैठे इजीली पका सकेंगे, ये जगह ढूंढ रहा है कहाँ बैठ के इजीली खा सकेंगे, इसे वो जगह सेलेक्ट कर ली के वहाँ बैठ के खाएंगे। भाई जान ये देखे यार, वो असल में हम लोग ना मिट्टी का तेल या पेट्रोल लाना भूल गए थे, तो फिर दिमाग की बत्ती जलाई मैंने, कहा इससे गर्म करते हैं फिर वहाँ रख लेंगे, बाकी तो जल ही जाएंगे, फिर ये सीन हो जाएगा। तो और ये कढ़ाई है, मसला ये है कि अब धूप नजर नहीं आ रहा कि आग जल किधर रही है और क्या चीज है। वाह। तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हमने कोयले भी सक्सेसफुली जला लिए हैं
और कढ़ाई के लिए टमाटर शमाटर भी हनान मैंने काट दिए, और अभी शेफ हनान पता नहीं अपनी कारीगरी कुछ कर रहे हैं, अब या तो कोई अच्छी बनेगी या पता नहीं क्या बनेगा कुछ ना कुछ तो होगा तो यहाँ पे कढ़ाई तैयार हो रही, और कोयले अब जल चुके हैं, तो ये चिकन इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसको भी मैरिनेट हमने किया था। हाँ 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 बेहतरीन बेहतरीन, इसको लगाते हैं अभी सीखों पे। तो नाजरीन अभी कढ़ाई मसाला अंदर जा चुका है और अभी से ही बेहतरीन से खुशबू आ रही है, तो बाकी चीज़ें अभी डालनी है और ये गर्म हो रहा है, और मतलब क्या एस्थेटिक वाइब आ रही है, क्या बात है भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं ना पढ़ें, आप गाना ना चलाएं, मतलब यार क्या मज़े का माहौल बना हुआ इधर, मज़ेदार सा यहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ भी तिक्के बनेंगे, क्या बात है यार, मतलब क्या यार, और लुकमान भी जिंदगी में क्या चाहिए, बस इसके बाद तूने खुदकुशी कर लेनी है यहाँ से, छलांग मार के ना मर जाएंगे बस। पिंडी पहुंच जाते हुए मोटरसाइकिल के ऊपर वार्निंग भी मिल चुकी है, मतलब वार्निंग भी उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा कि यार आप वो आए थे शॉप के करीब, उन्होंने कहा यार जो कोयले वगैरह जला रहे हो तो ध्यान करना, जाते वक्त इनको सही से बुझा के जाना कि आग लगने खतरा होता है, हमने कहा नहीं आप बेफिक्र रहे, हम जिम्मेदार शहरी हैं, हम इसको अच्छे तरीके से बुझा कर जाएंगे, तो बस अभी यही सीन है। तो खवातीन मैं भी आया हूँ ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ के, वो लोग नीचे आप लोगों को वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, खान शान नारे, मैंने कहा ज़रा ऊपर जाता हूँ थोड़े से नज़ारे इन्जॉय करता हूँ, लेकिन देखने में इतनी स्टीप जगह लग नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर आया हूँ, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नीचे कैसे हुए, अगर मैं स्लिप हो गया तो मुझे नीचे से रोक ली, ठीक है अभी मैं और ऊपर जाता हूँ भाई यहाँ से। नाजरीन ये आप चेक करें यार क्या खूबसूरत मंजर है, मतलब ऐसी जगह है ना, मतलब जो मेन स्पॉट्स होते हैं वहाँ तो रश होता है और लोग काफ़ी जाते हैं, जो इस किस्म की जगह होती है जो खाली होती है वहाँ से नेचुरल ब्यूटी नज़र आती है बंदे को, तो ये आप लोग चेक करें यार क्या पुरसकून जगह, बिल्कुल शांति, दरमियान में बर्फ, और आह क्या नज़ारे, मीठी मीठी धूप, नीचे कढ़ाई और बारबेक्यू, क्या बात है। हाँ जी ये मुश्किल है, मैं आपको नीचे जाके ही मिलता हूँ, इससे पहले के व्लॉग के चक्कर में मैं कहीं नीचे पड़ा हूँ, तो नाज़रीन बड़ी मुश्किल से बैठ, हमारे बारबेक्यू कौन में रहे, अच्छा मैं मर जाऊँ, खैर है बारबेक्यू की फिक्र है इन दोनों को, यार ये देखे ये बस मैं जा रहा हूँ वापस, मैं वापस, बाय बाय, बस बस मैं जा रहा हूँ, इस पापी दुनिया से मेरा विश्वास उठ चुका है, बस 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग, मेरा चश्मा की तरफ दूसरा काला वाला, मैं इस पापी दुनिया को नहीं देखना चाहता, चल रहा बस यार मैं नाराज हूँ, वीआईपी बन रहे हैं आप, अरे भाई भाई भाई, अरे भाई भाई भाई, क्या हो गया क्या बात है माशाल्लाह, मतलब मैं ऊपर तक क्यों नीचे, क्या आप लोग तो बेहतरीन यार, जिंदाबाद, चल चुप एक चक्कर लगा के भाग के जाओ ऊपर से, तब तक रेडी हो जाएगा सब कुछ। तो नाजरीन देखो काम भी जारी है, तकरीबन ये वाले तो बन ही गए जो हमने रखे थे, बाकी अब इसके अंदर है, ये सीख फ्री होंगे तो फोन पे लगाएंगे, कढ़ाई की क्या अपडेट है भाई, सर वो भी रेडी है, दिखाओ ना भाई, कढ़ाई पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या बात है, और ये खाने पे मेहनत कर रहा हूँ, सामान ला रहा हूँ, टिश्यू लेकर आया, कढ़ाई की क्या अपडेट है भाई, कढ़ाई ऑलमोस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, वैसे तिक्के भी रेडी है, कढ़ाई भी रेडी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये करो भाई इसका जुगाड़, नाजरीन ये वो ऊपर ऑयल लगाने के बाद कुछ था नहीं, हम टिश्यू था उसके ऊपर ऑयल लगाने लगे, कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। तो नाजरीन ये यहाँ पे देसी जुगाड़ चल रहा है, बॉटल के अंदर हम नहीं डाल रहे क्योंकि और हम कोई चीज़ लाई नहीं थे, आधी डाई हमने उसके अंदर डाली है और बाकी बॉटल के अंदर, वो जो थोड़ी सी सब्ज मिर्च है ना वो थोड़ी सी कूट के इसी के अंदर डाल के नमक डाल के तो इसका रायता बना लेते हैं। तो नाजरीन काम आगे बढ़ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने बनाया, क्या बात है बेहतरीन, देख के दिल खुश हो गया, इसको हमने बांधा हुआ है, ये बड़े ज़बरदस्ती से इसके हमने बांधा हुआ है कि भाई नहीं खाने पकने थे फिर खाते हैं, अभी ये बन रहे ना, जब आते ना करो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मर्द होकर औरत से नफरत करते हो, शर्म यार होने वाली है, और मौसम जो है ना अब सही वाला हो गया, मतलब ठंड होगी, उस टाइम तो हम आए थे धूप धूप थी ना सामने में आपको, बल्कि खाना खा के ना फिर सामने से खाते, उधर से बड़ा प्यारा भी है सामने पहाड़ों पे ना, बड़ी फिट सी बर्फ पड़ी हुई है, और उस्मान साहब जो है हमारे ऑलमोस्ट रेडी कर चुके हैं, और इधर लुकमान भाई ने जो है जुगाड़ लगाया है कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए, अच्छा जुगाड़ है ना, बहुत अच्छा है, देसी जुगाड़ जो नहीं होता। नाजरीन ये रहनान भाई आगे आगे दिखाओ क्या क्या बेहतरीन अभी टिक्के तैयार हो चुके हैं। तो नाजरीन टिक्के शिक्के हमारे हो चुके हैं रेडी, कढ़ाई भी बिल्कुल एंड लगी हुई है, रोटी हमने ले ली थी जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था, तो अब हमने रोटियां गर्म करने का जुगाड़ लगा लिया है, वैसे इतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं हुई लेकिन हमने कहा ज़रा बेहतरीन काम हो जाएगा, ज़रा बारबेक्यू फ्लेवर वाली रोटियां हो जाएंगी, तो बस बारी बारी रोटियों को गर्म करते हैं। लुकमान को हमने काम सौंपा है कि ये पत्थर ढूंढे बैठने के लिए अच्छे से, लेकिन ये बगैर वो काम भी नहीं कर रहा, गजब बेइज्जती है। नाजरीन अभी ये हमारा प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते रह गया फिर हम ही वो वाले रील बना रहे होते हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया,
अभी गिरते गिरते उसका हाथ जल रहा था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ये पहुंचा है। ये जो हमने अब अपना किचन बनाया है ना नाज़रीन, ये किचन हम समेटेंगे बाद में, हम वहाँ पहले अपने खाना खा ले फिर इस किचन को हम समेट लेंगे। रोटियाँ मैंने वैसे अकेले के लिए भी गर्म कर ली थी लेकिन एंड पे फिर मैंने इकट्ठी रख ली। बनने वाला था हनान ने गिरा दिया पर नहीं गिरा, बच गए उल्टा गधे से ढक्कन गिरा, शुक्र है बाहर नहीं निकले। 2000 years later. तो नाज़रीन फाइनली हमने दोस्तों खाना अपना सजा लिया है, क्या लजीज किस्म के तिक्के, बेहतरीन कढ़ाई, गर्मा गर्म रोटियां। हाँ वड़ता ना तो मैं तो तेरा प्रोग्राम वाड़ देता पूरा इधर, इतनी मेहनत से बनाया, वहां से हम इस्लामाबाद से आए हैं, ये किस जनाब कढ़ाई गिरा रहे थे, वो जनाब ने तिक्के गिरा दिए, मैं इधर मुंह देख रहा था कि ये वो क्या रहा है। चलो अभी बिस्मिल्लाह करो, चेक करते हैं टेस्ट शेस्ट कैसा है। तो भाई अभी खा रहे हैं हम, हाँ रिव्यू होगा कैसा है, क्या मामला आते हैं। लेकिन सच में बेहतरीन मजे की बनी हुई है, होपफुली तिक्के तो खैर हमने टेस्ट किया था तो वो भी बेहतरीन है। तो बस अभी हम सुकून से खाते हैं फिर आप लोगों को मिलते हैं। हाँ तो खवातीन हजरात खाना हमने खा लिया बेहतरीन सा यार, मतलब लेवल का खाना बना हुआ था, पेट भर के हमने खाया बेहतरीन। अभी हमारा किचन वहीं पे बिखरा हुआ है, हमने सेट नहीं किया तो हमने कहा शाम हो रही है तो एक दो तस्वीरें जो बनानी है, अभी इतने दूर आए हैं तो फिर बना लेते हैं यहाँ पे। तस्वीरें बनाने के बाद फिर हम ये सारी चीज़ें समेट के वहाँ से वो भी चीज़ें समेटनी है, व्यू देखते हैं। भागो 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 भागो, आए 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 वो सामने यार, आप लोग चेक करें, मतलब वो इतने यहाँ से इस जगह से डिक्लेयर नहीं है खैर, लेकिन फिर भी वो पहाड़ पर बेहतरीन बर्फ, ग्रीन दरख्त, वाइट वाइट बर्फ, क्या बात है सुभान अल्लाह। और ये वो जगह थी जहाँ हमने बैठ के सिस्टम बनाया था। तो भाई अभी हम लोग ऊपर आए थे, हमने कहा यहाँ पे थोड़ी तस्वीरें क्लिक करते हैं। बेटी पुष्पा नीचे इंतजार कर रही है, बेटी पुष्पा आ जाओ ना ऊपर। ये डरा हुआ है, ऊपर भी नहीं आ रहा हमने, और हमें कहते हैं कि तुम ऊपर जा रहे थे, मैं वापस गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ। हमने कहा भाई हम दूर कहीं नहीं जा रहे, वो पार सामने घूम करता हूँ वो सामने, आप लोग बर्फ चेक करें कितनी बेहतरीन सी, क्या नज़ारे है। तो नाज़रीन ये आप लोग चेक करें, हमने एक अच्छे शहरी होने के नाते जो हमने भाई खिलारा मचाया था ना वो हमने समेट भी दिया, जहाँ कोयले पड़े थे हमने वो बर्फ़ डाल दी, बाकी कोयले हमने बर्फ़ के ऊपर डाल दिया ताकि वो बुझ जाए और आग लगने का खतरा ना हो, वहाँ से भी चीज़ें चीज़ें हमने समेट दी हैं। ये एक शॉपर रह गया, बस ये भी लेके जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट है, इसको भी हम लेके जाएंगे और आगे जाके फेंक देंगे। और अभी यह है कि धूप भी चली गई है तो मौसम अब ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है, ठंड भी काफ़ी होती जा रही है, तो बस अभी हम निकल रहे हैं, वहाँ से भी हमने समेट दिया, यहाँ से सब कुछ डन हो गया, हो गया भाई सारा काम। हाँ ये आप लोग क्या करेंगे, हमने सामान शाम सारा समेट के तो बेहतरीन सा हो गया, ठंड भी हो गई अब पर हम निकल रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है? तो नाज़रीन अभी हम लोग अपनी राह पे गामजन है और ये सामने आप नज़ारा चेक करें यार, क्या बेहतरीन लेवल का यार, जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ठीक है अच्छी खासी बर्फ़ थी। ये सामने आप लोग चेक करें, ग्रीन ग्रीन दरख्त, वाइट वाइट बर्फ, क्या बात है। और हम लोग जा रहे हैं, बस निकले यहाँ से, अभी 5 बज रहे हैं और होपफुली हम लोग घंटे डेढ़ में हम पहुँचेंगे। तो नाज़रीन ये भी आप लोग नज़ारे चेक करें, मैंने कहा यार मैं इन्जॉय करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि क्या बेहतरीन सामने वो खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, इस तरफ फुल बर्फ़ है, क्योंकि आते वक्त हमारा ना फेस इस तरफ था ना, तो इस इन पहाड़ों पे इतनी बर्फ़ नहीं थी, जाते वक्त ज़्यादा बर्फ़ है, फुल वाइट वाइट पहाड़, और सामने बेहतरीन खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, और यार क्या मतलब पैसे पूरे हो गए आने के। A few moments later. तो नाज़रीन फाइनली हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे, मतलब इस्लामाबाद तो नहीं खैर ये जो एक्सप्रेस वे का टूल प्लाजा है ना, हम वहाँ पहुँच चुके हैं, आगे यहाँ से 12 को शुरू होगा और तकरीबन 10 मिनट में हम घर होंगे। तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट करते जाएं कि हम लोग भाई टूर प्लाजे पहुंच चुके हैं, कितने टाइम में हम टूर प्लाजा पहुंचे। हाँ 6:35 हो रहे हैं टोटल, हमें 1.5 घंटा लगा वैसे वहाँ से नथिया गली से निकले हम वहाँ से टोटल यहाँ पे। हाँ शेरा कैसी गाड़ी चला कर आया हूँ, A1 सर, वो दूसरा शेरा को देखे जी, लव यू हो गया, लव यू हो गया, चलो जी वो दूसरे शेरा को देखे जी, टुन हो गए, ओ जी शेरा जिंदा है जी। हाँ तो भाई फाइनली मैं भी घर पहुँच चुका हूँ और अब इस टाइम शरीर किस्म का मैं हूँ थका हुआ, क्योंकि रात को भी नींद नहीं पूरी थी, सिर्फ मैं कुछ चंद घंटे सोया था, उसके बाद फिर पूरा दिन आज सफ़र किया, अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं, और बस अब मेरा यही मूड है कि भाई अब चुप करके बिस्तर आया सामने और सो जाऊँ। तो बस यही था आज का लोग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी दिल करें कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें। एक तो ये लोग मैं देखता रहता हूँ एनालिटिक्स में जाकर ना कि 60% लोग वो वीडियो देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों भाई क्या मसला है, ये सब्सक्राइब का बटन है इसको प्रेस करो, और ये अपनी मोटरसाइकिल गुजर रहा है मिडिल क्लास मसले। तो बस आज हम लोग यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली
मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज। थक गया ना, अब जबान में लड़खड़ा आ रही है।